नमस्कार, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वच्छ इंडिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। दिनांक 22 सितंबर दिन बुधवार को सोशल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संचालित व्याख्यान कक्ष का उद्घाटन देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद और सोशल रिसर्च फाउंडेशन के संरक्षक डॉक्टर शिवकुमार दीक्षित व संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर आशा त्रिपाठी के कर कमलों द्वारा किया गया, जिनमें नगर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने सहयोग किया। इसमें मंचासीन विशिष्ट अतिथियों में स्नेह पैथोलॉजी की प्रबंधक पूनम तिवारी, सखी केंद्र की महामंत्री नीलम चतुर्वेदी, कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अवनीश दीक्षित व अध्यक्ष रजश्री फाउंडेशन के अध्यक्ष अरविंद सिंह जी प्रमुख रहे। संस्था ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण, शाल्यार्पण व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। संस्था के संरक्षक डॉक्टर आशा त्रिपाठी के स्वागत भाषण के पश्चात संस्था के सचिव राजीव मिश्रा ने संस्था का परिचय व उद्देश्य सहित कार्यक्रम की रूपरेखा का विवरण दिया। सम्मानित अतिथियों ने संस्था के कार्य की सराहना करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण होने के कारण पूरे देश के कई शहरों से विद्वज्जन जुड़े थे और उन्होंने भी गूगल मीट के जरिए अपने वक्तव्य दिए। दर्शक दीर्घा में बड़ी संख्या में नगर के साहित्यकार व समाजसेवी उपस्थित रहे, जिनमें विनोद त्रिपाठी व अजीत राठौर, निखिल वाजपेयी, प्रमिला पांडे, कमलेश शुक्ल, अजय कुलश्रेष्ठ, रश्मि कुलश्रेष्ठ, सुरेंद्र गुप्त सीकर, रमेश मिश्र आनंद, अतुल दीक्षित, डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव, डॉक्टर नारायणी शुक्ला, डॉक्टर प्रदीप अवस्थी, डॉक्टर पीएन शर्मा, रवि शर्मा, कृपा शंकर पांडे, विनोद पांडे, शैलेंद्र पांडे, विजय मोहन शुक्ला, कृष्ण गोपाल तिवारी, नरेश सिंह चौहान, महेंद्र साहू, गौरव त्रिपाठी आदि के साथ सोशल रिसर्च फाउंडेशन की पूरी टीम, जिसमें दीप्ति मिश्रा, भावना निगम, पूनम राठौर, नेहा वर्मा, अस्मिता, ईशा मिश्रा, अमन जमील, प्रियंका, कुलदीप, प्रीति वर्मा व निकिता, ज्योति गुप्ता, यशवी मिश्रा, तेजस्वी मिश्रा व गणेश मिश्रा का उत्साह देखते बनता था। डॉक्टर शिव कुमार दीक्षित जी के उपाध्यक्षीय उद्बोधन व आशीर्वचन के ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा दी। कार्यक्रम का संचालन शीतल वाजपेयी द्वारा किया गया। संस्था की सचिव, संस्था की कोषाध्यक्षा दीप्ति मिश्रा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। के अवसर पर आमंत्रित पंचासी मेरे अग्रज डॉक्टर शिव कुमार दीक्षित जी, इसने पैथोलॉजी की प्रबंधिका श्रीमती पूनम तिवारी, सखी केंद्र की महामंत्री और कानपुर की लेडी विद्यालय नीलम चतुर्वेदी, कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अवनीश दीक्षित और रजत श्री फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह, अरविंद सिंह सभागार में उपस्थित समस्त सम्मानित अतिथिगण, पत्रकार बंधुओं, फोटोग्राफर और SRF की तरफ से, सोशल फाउंडेशन की तरफ से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन। फेस टू फेस रिलेशन ऑफलाइन रिश्ते बहुत, ऑनलाइन रिश्ते तो मेरे हिसाब से पैकेज की तरह होते हैं, पैकेज खत्म, रिश्ते खत्म।
आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, स्वागत करें। आदरणीय विनोद त्रिपाठी जी, विनोद त्रिपाठी चाचा जी से निवेदन है, कृपया ले सर, सर मालिक हैं आप, और आपसे कितने ही लोग प्रेरणा, बहुत बहुत आभार आपका। श्री निखिल वाजपेयी जी, अभी उनकी माता जी और परसों ही उनका अंग्रेजी संस्कार था, इसके बाद भी वे उपस्थित हो, अपनी शुभकामनाएं। मैंने काम शुरू किया तो शायद मेरी उम्र 28 साल की, यदि कुछ अच्छा करना था, ऐसा करना था कि जिससे हम भी किसी के दिलों में, किसी के मनों में बसे, तो मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर श्री कुमार दीक्षित जी, डॉक्टर पाठी, इनको हमें काफी जाना हमें मालूम नहीं, हमें आपने सुना तो इनको रूबरू देखा। तो विशेष क्या है, रिसर्च क्या है, हमारे नाना स्वर्गीय रामकिशोर त्रिपाठी का, उन्होंने ही मेरी पढ़ाई लिखाई कराई है कानपुर में ला के, और वो किसी टाइप किया करते थे। तो सर से उनकी बात हुई कि बोले मेरे हाथ का लिखा रामकिशोर जी के अलावा कोई और पढ़ नहीं पाते थे, और पढ़ लेता है टाइप कर देता था, मुझे संतुष्ट नहीं हुई। तो ऐसे परिवार में जन्म लेके मतलब उन चीज़ों को हमने मूलभूत समझा। और इसके बाद एक बात का जिक्र और भी करना चाहता हूँ कि हमारे जो संस्थान के संस्थापक चेयरमैन साहब थे वो त्रिपाठी थे, वो हमारे नाना थे, हमारे पिताजी के नाना थे। और इस भारत में IR20 नामक गांधी जिस किताब उन्होंने विकास किया था, इसके लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर गोलाक पुरस्कार दिया गया, जो अपने आप में कृषि का नोबल पुरस्कार है। तो ऐसी धरा से हम जन्मे हैं, बस वो किस तरह हम जनरल के क्षेत्र में आ गए, वो मैं के साथ पत्रिकाएँ छापते छापते सर के साथ वो रीडिंग करते करते हमने वो पत्रिकाओं का प्रकाशन चालू कर दिया। पर कमोबेश जो सही बात है वही आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो रिसर्च कर रहे थे वो आगे इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि उनके गाइड का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ था, लिखते रोजे नाम उनके गाइड का होता है। बात कंट्रोवर्सी की नहीं करता हूँ, लेकिन समाज की स्थिति, सही समाज की स्थिति कुछ ऐसी ही है। तो मैंने वहाँ उनके लिए करा जाए जिनके गॉड फादर नहीं है, जिनको अपनी बात सीधे सीधे कहने का हक हो, मैं भी उनसे शामिल था। और कहीं ना कहीं जब मैं प्रिंसिपल हुआ करती थी महिला महाविद्यालय की, तब उनके साथ से हमने कहा कि मैं एक रिसर्च ऑक्सीलरी सर्विसेज, शोध सहायक सेवाएं, इस तरीके की मैं सोचा कि इस तरीके की पे काम किया जाए, लेकिन सहयोग से उस समय वो बात नहीं बनी। फिर 2010 के आसपास हमने सोशल रिसर्च फाउंडेशन नामक संस्था का गठन किया, जिसका उद्देश्य यही था कि हम इस समाज में गुणात्मक सुधार लाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, क्योंकि आज की स्थिति ये हो गई है कि हम लिखते तो हैं मगर लिखते हैं केवल नंबर पाने के लिए। अगर हमारा प्रमोशन ना होता हो तो शायद हम कभी किसी शोध पत्र को ना लिखते, और जो समाज के बाहर के लोग हैं उनको तो शोध से कोई मतलब नहीं है, वो जो नई चीज़ आ रही है मोबाइल अंगीकृत कर लिया, जब नई टेक्नोलॉजी आई तो नई टेक्नोलॉजी अंगीकृत कर ली, पर वो भी कैसे इस बारे में कोई सोचना नहीं चाहिए। उन्होंने सोचा अगर हम भी इंग्लैंड की तरह इमारत खराब हो जाएं और जेम्स वाट की कोई खोज हो जिसने भाप की शक्ति का पता लगाने वाले व्यक्ति को ईमानदारी से कहा हो कि उन्होंने कोई खोज करी, तो शायद एक बहुत बड़ी बात होगी। वहाँ से सोशल रिसर्च फाउंडेशन का जन्म हुआ। अब सोशल रिसर्च फाउंडेशन का जन्म हुआ, हमने पत्रिकाएँ छापना चालू कर दिया, हमारी पत्रिकाएँ विश्व के 18,000 रिसर्च जर्नल्स के बीच में अपना स्थान रखती हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक विश्व स्तर की संस्था है साइंटिफिक जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर मोरक्को की संस्था है, वो उनके इम्पैक्ट फैक्टर दर्शाने का तरीका ये है कि जब इम्पैक्ट फैक्टर लिखते हैं तो उस देश, वो प्रकाशक का नाम नहीं डालते, उस देश का जिला प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि हम अपने झंडे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे बहुत जागृत किया कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अभी भी मन नहीं भर रहा है। मैं आपको बात करता हूँ हमारे व्याख्यान क्रम के,
रिजल्ट जब बहुत अच्छे चल रहे हैं, लोग उनको बहुत मान रहे हैं। आज भी कहने में उचित नहीं लगेगा, लेकिन मैं फिर भी इस बात को सहज कहता हूँ कि अगर हम कह देते हैं कि रिसर्च पेपर में हाइपोथेसिस आनी है तो टीचर मान लेता कि आनी है, कोई यूजी का मुँह नहीं देखता, वो देखता है सोशल रिसर्च फाउंडेशन कहते हैं। और हमारे यहाँ छपने वाले पेपर में भी वो होता है। अभी मैं आपको अदनी मंच को और आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी प्रिंसिपल की भर्ती नहीं की थी, उसमें तो मैं नाम भी बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर राजीव सिरोही साहब हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया। तो जब वो इंटरव्यू पैनल के पास गए, दोनों का रिसर्च पेपर दिखाया, तो वहाँ पर मैडम बैठी थी, उन्होंने कहा कि यस रिसर्च जनरल ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने उसमें लिखा हुआ एक शब्द कि अगर किसी रिसर्च जनरल का इम्पैक्ट फैक्टर 7 से ऊपर है तो नंबर बोनस मिलेंगे 20 नंबर हर पेपर के लिए। और हमारे 6 जनरल हैं तो उनको 120 नंबर अधिक मिले। और उन्होंने कहा कि मेरा जो स्थान था वो सर्वोच्च हो गया उस जिले में। मैंने ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करके अपने पास रखी, मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ हम इस देश की तरक्की में कहीं ना कहीं गुणात्मक सुधार में हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ी इच्छा रह गई थी जो आज इस रूप में पूरी हो रही है। मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ हमारी माँ जो नहीं है सरोज राठौर, में वो होती तो मतलब मैं नहीं बता सकता कि कितना खुश होती। और ये लगभग उनके ही सपनों में एक था, हम सोचते थे कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि आज मैं यहाँ पे नहीं है, हम बहुत मिस कर रहे हैं। हमने सोचा कि ये जो लोग लिख ले रहे हैं सर, एक और भी बात निकल के आई कि छाया लेखक की बात हो रही थी कि उन्होंने आपके लिए लिख दिया, उन्होंने पैसे ले लिया और रिसर्च पेपर लिख दिया, पीएचडी लिख दी। तो ऐसा व्यक्ति प्रिंसिपल तो बन गया, ऐसा व्यक्ति लेक्चरर तो बन गया, नौकरी तो पा गया, लेकिन साबित तो अपने आप को वही कर पाएगा जो डिबेट में भाग लेगा, जो अपने आप को प्रस्तुत करेगा। मतलब लेखन से प्रस्तुता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप प्रस्तुत नहीं कर सकते अगर आपकी बातों में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो समय पहले तक मार्च महीने से ऐसे हिलने लगता था, वो जो मैं कविता पढ़ता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो ये शायद वही कॉन्फिडेंस है जिस बात की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ मैं प्रस्तुत होता हूँ। तो मैंने दिमाग में आया कि जो रिसर्च पेपर पत्रिकाओं में है, चाहे वो हमारी पत्रिकाओं में हो, चाहे किसी भी पत्रिकाओं में हो, किसी भी रूप में हो, वो अगर वीडियो मोड पे डिजिटल मोड पे आ जाए, तो जब हम आज चुटकुले पूछते हैं, कोई कीबोर्ड डालते हैं, एक मुख्य शब्द डालते हैं, कीबोर्ड डालते हैं, किसी भी चीज़ का तमाम चुटकुले और तमाम सामग्री निकल के आ जाती है। तो अगर हम रिसर्च की भी बात करेंगे और वहाँ पे डिजिटल मीडिया में कुछ भी डालेंगे तो वो भी निकल के आ जाएगा। ये भी बात नहीं आती, हमने सोचा कि अगर हमारे रिसर्च पेपर सफल किए जाएँ तो एक दस्तावेजी एविडेंस भी बन जाएगा और सबकी एक अपनी डिजिटल लाइब्रेरी भी बन जाएगी, जो आज के समय की मांग होगी। और साथ में मैं यूजीसी के सामने, सरकार के सामने ये बात कहने के लिए और कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि अब आप हमारे रिसर्च पेपर में कोई कमी बताइए, क्योंकि उसने पढ़ा है अपना रिसर्च पेपर, प्रस्तुत किया है, और जिसने प्रस्तुत किया है उसने कॉन्फिडेंस जब सही लिखा होगा तभी प्रस्तुत किया है, वरना प्रस्तुत ना कैसा होगा। अच्छा एक बात और मैं कहना तो मतलब मेरे लिए बहुत मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ, साहब बैठे हैं तो हमारे यहाँ पूरी किताब साहब की कंपोज रखी है, ऐसे मतलब पढ़ी हुई है, लिखते हैं हम लोग, टाइप कर रहे हैं पढ़ी, वही कई बार दिमाग में आई तो मेरे दिमाग में आई कि क्यों ना हम लोग तमाम जगत को भी हमारे पास जो कुछ देने को है शायद हम मतलब मिस कर जाएंगे कभी। आपके पास सीता देवी के पास अच्छी रचनाएं हैं, शिप्रा दीदी हैं, बहुत अच्छे कंटेंट हैं, मैम हैं, साहब हैं, लेकिन अगर ये लिखी पर जना हुए ये आज डिजिटल मीडिया में नहीं है। अच्छा एक बात और, टेक्नोलॉजी के साथ आपको चलना पड़ेगा, आज की टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वो जा रही है, सोशल मीडिया को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो कंटेंट हमारे समक्ष है अगर उसको हमने बांटा नहीं, उसको हमने बांटा नहीं, शेयर नहीं किया, तो इसके आगे एक बड़ी हानि होने वाली है। तो ये अगर एक व्याख्यान कक्ष हो जाता है हमारे पास जिसमें हम भीड़ को नहीं बुला पाएंगे। आज मुझे बड़ी सर्दी लगी लग रही है कि मीडिया है और वो इतनी गर्मी में बैठी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने दीदी से कहा कि मीडिया अपनी बात करेगा, मैं अभी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बस आप ये जान लीजिए कि झोपड़ी की पहली सी पॉलिथीन मैंने लगा ली है और कृपया इसको जो है वो अदरवाइज ना लें, आप ये गर्मी मुझे साथ वो आप समझिए कि गर्मी की झोपड़ी में जो नहीं मिल पा रहा है उसको इग्नोर करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये प्लानिंग करी कि अगर ये व्याख्यान कक्ष बन जाए तो तमाम बच्चा यहाँ पे भी वो माइक मोबाइल रखा था आप देख रहे थे, तमाम लोग वेबिनार के माध्यम से बहुत सारे जगहों से जुड़े हैं और एक दुबई से भी मैडम जुड़ी थी,
तो तमाम दुनिया हमारे साथ जुड़ने को तैयार है, बस उसको हम डिजिटल मोड में ले आए। और उसके लिए हमें किसी बड़े सभागार की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें किसी बड़े एक्सपेंसेस की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमारा छोटा सा घर हो जाए और छोटा सा कमरा हो जाए, इसमें हम लोगों को समाज के समक्ष लेके आ जाए, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात होगी। इसी की एक सोच छोटी सी शुरुआत थी जो मैंने के सामने के सामने मैं सामने रखी, आपके सामने रखी, और आपने ऐसा पूरा संभव दिया कि आप इसको इस तरीके से करिए। तो रिसर्च पेपर के अतिरिक्त जब ये रिसर्च पेपर यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, डिजिटलाइजेशन में चलने लगेंगे तो शायद ये व्याख्यान कक्ष सफल हो जाएगा, ये सरकार हमारा सफल हो जाएगा।